आज हम आपको उत्तराखंड के आध्यात्मिक सफर पर ले चलते हैं, जहां हम चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध कल्पेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे। भगवान शिव को समर्पित ये पवित्र धाम पंच केदारों में से एक माना जाता है। कल्पेश्वर महादेव मंदिर समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक छोटा लेकिन बेहद ही मनमोहक मंदिर है, जो खूबसूरत कल्पगंगा घाटी में स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। दरअसल भगवान शिव को जटाधर या जटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर एक प्राचीन गुफा है, जहाँ स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। इस मंदिर के पास स्थित कलेवर कुंड का जल अपने अद्भुत गुणों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि ये पवित्र जल कई बीमारियों को दूर करता है। दिलचस्प बात ये है कि कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक जाने का रास्ता भी एक गुफा से होकर जाता है। लगभग 1 किलोमीटर की इस गुफा के अंदर से होकर गुजरने के बाद ही श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर पाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने इसी पवित्र धाम पर आकर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की थी। कहा जाता है कि युद्ध के पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन पाने की उनकी इच्छा थी, लेकिन भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों में से भीम ने उस बैल को पकड़ लिया, जिसके कारण भगवान शिव के शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। उनका ऊपरी धड़ का भाग काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं यही कल्पेश्वर में प्रकट हुई। ये पांचों स्थान मिलकर पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। कल्पेश्वर महादेव मंदिर दूर दूर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का शांत वातावरण और मनमोहक दृश्य मन को सुकून देते हैं। मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं और भोजनालय भी उपलब्ध हैं, जहाँ यात्री आराम कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड की यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो कल्पेश्वर महादेव मंदिर जरूर जाएं। आप ऋषिकेश, देहरादून या हरिद्वार से बस लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश से इसकी दूरी लगभग 198 किलोमीटर है, वहीं गौरीकुंड से ये मात्र 18 किलोमीटर दूर स्थित है। यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।